हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए, लव यू ऑल। वेल, आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में और ये किसी भी मौसम में कभी भी हो सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात। बेसिकली बरसात और गर्मी में इनके होने की संभावना ज़्यादा होती है, मोस्टली ये ठीक होकर फिर हो जाते हैं। इसमें जो एक क्रीम है जो एक्सपर्ट्स के अनुसार आप इसे कहीं से भी आसपास खरीद सकते हैं, जो कि कीटोफोर्ड के नाम से आती है और इसमें कीटोकोनाजोल प्लस बैक्लोमीथाजोन का कॉम्बिनेशन है। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर फंगल इन्फेक्शन और जहाँ पर बॉडी के पार्ट में आपको ये प्रॉब्लम है वहां पर इसे सुबह और शाम दो बार यूज करना है। बट ध्यान रखना है कि लगाने से पहले आपको किसी मेडिकेटेड सोप से उस जगह को वॉश करना है और जब वो जगह सूख जाए, यानी पानी की नमी वहां पर ना रहे, तब आप इसको लगाएंगे। अगर मान लीजिए आपने इस तरीके से सुबह लगाया है तो शाम को फिर उस जगह को किसी मेडिकेटेड सोप से वॉश करना है, फिर उसको ड्राई करना है, फिर शाम को लगाना है और फिर सुबह यही प्रक्रिया अपनानी है। इससे आपके एक ही दो दिन में आपको बहुत ह्यूज एकदम से अंतर दिखाई देगा, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। वेल, अगर इसके साथ साथ ये ठीक नहीं होती है और आपको कम इम्प्रूवमेंट लगता है, तब कीटाकोनाजोल जो 200 mg की टैबलेट है वो भी इसके साथ चलाई जाती है। बट ध्यान रहे, वो आप अपने हिसाब से ना लें, वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही लेनी है और उनसे बात करके ही इसको स्टार्ट करना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं, टैबलेट प्लस क्रीम, दोनों ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वेल, अगर आपकी ये फंगल इन्फेक्शन आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास है तो आपको एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए और वो है आपकी अंडरगारमेंट। अगर आप मेल हैं तो आपको खास तौर पर ये ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपकी अंडरगारमेंट्स कौन सी है, किस शेप की है और आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। इस पर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप इस आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं उस वीडियो को। साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट में जो अंडरवेयर का जो ऑप्शन है, आप उसको देख कर बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी हैं कि हमें कौन से अंडरगारमेंट पहनकर जिम करना चाहिए, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है हमें कौन से अंडरगारमेंट को यूज़ करना चाहिए या अंडरगारमेंट कौन सी बेस्ट है, इस तरीके के बहुत सारे और भी अदर क्वेश्चंस हैं जिसके वीडियोस वहां पर अवेलेबल है। आप उसको जरूर देखें जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ इस फंगल इंफेक्शन में अंडरगारमेंट्स का क्या रोल है वो भी आपको पता चलेगा। अगर नॉर्मल ट्रंक आप पहनते हैं तो उसको पहनने का सही तरीका क्या है ये भी आपको वहां पता चलेगा। ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को रोकने में मदद करेगा। इन दोनों ही चीजों से आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगी और दोबारा जल्दी नहीं होगी। तो थैंक्स अ लॉट अगेन हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, उतना सारा प्यार देने के लिए। लव यू ऑल। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।